फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में ये हरी हरी प्याज बहुत ही अधिक मिल रही है और इसकी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनती हैं। तो चलिए, हमने दो प्याज को इस तरह से देखिए बारीक काट लिया है और इसकी आज हम बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बनाएंगे। और इधर देखिए, एक आलू को भी इस तरह से ग्रेट करके हमने पानी में डालकर रख लिया है ताकि ये काले न पड़े। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे ये सारी प्याज और ये आलू को भी इसमें से पानी निकालकर, दो हरी मिर्च, चार बड़ी चम्मच बेसन, दो बड़ी चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी थोड़ी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1/4 काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और सारी चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे। अब पैन में तेल गरम करेंगे और इस तरह से सब गोल गोल करके डालते जाएंगे। अब इस तरह से सारी पकौड़ियों को हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा नीचे से पक जाने दीजिए, तब हम इसे पलटेंगे। इसे हम एक एक करके इस तरह से पलट लेते हैं। अब हमारी पकौड़ियां हो गई हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारी ये पकौड़ी बनकर रेडी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, प्लेट में सर्व कीजिए इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ या सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है, तो चलिए एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ओके, टेक केयर एंड बाय।